न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था रेप का आरोपी। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार पुलिस टीम रेप के एक आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवा कर लौट रही थी, तभी आरोपी अचानक से धक्का देकर भाग खड़ा हुआ और पुलिस टीम पर ईंट पत्थर फेंकने लगा। इसमें एक पुलिसकर्मी को चोट आई है, लेकिन पुलिस ने भी आरोपी को जवाबी कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रेप का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए आरोपी के साथ मुठभेड़ में उसे घायल कर दिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवा कर थाने वापस ला रही थी, तभी उसने पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश की। मामला नोएडा के सेक्टर 24 पुलिस थाने का है। यहाँ पुलिस टीम रेप के एक आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवा कर लौट रही थी, तभी आरोपी अचानक से धक्का देकर भाग खड़ा हुआ और पुलिस टीम पर ईंट पत्थर फेंकने लगा। इसमें एक पुलिसकर्मी को चोट आई है, लेकिन पुलिस ने भी आरोपी पर जवाबी कार्रवाई की और उसके एक पैर में गोली लग गई। इससे आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स पर आज सुबह करीब 8:30 बजे के करीब एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप है। उसने एक नाबालिग छात्र को बहला फुसला कर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया है और जब पुलिस टीम जिला अस्पताल से मेडिकल टेस्ट कराकर उसे वापस ला रही थी, तभी उसने अचानक से पुलिसकर्मियों को धक्का देकर भागने की कोशिश की। अब आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिन्हा का कहना है कि रेप का यह आरोपी पुलिसकर्मियों को धक्का देकर भाग रहा था, तभी जवाबी कार्रवाई में उसे घायल कर दिया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर ही इस एनकाउंटर वाली जगह के पास वह ले गया था और जहां पर उसका बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान सोनू उर्फ सन्नी के नाम पे की गई है और वह मोरना में किराए के एक मकान में रहता है और आरोपी सेक्टर 19 में एक मेडिकल शॉप में साफ सफाई का काम करता था। पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था रेप का आरोपी, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस टीम रेप के एक आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराकर लौट रही थी, तभी आरोपी अचानक से धक्का देकर भाग खड़ा हुआ और पुलिस टीम पर ईंट पत्थर फेंकने लगा। इसमें एक पुलिसकर्मी को चोट आई है, लेकिन पुलिस ने भी आरोपी पर जवाबी कार्रवाई की और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रेप का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए आरोपी के साथ मुठभेड़ में उसे घायल कर दिया और उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराकर थाने वापस ला रही थी, तभी उसने पुलिस की पकड़ में से भागने की कोशिश। मामला नोएडा के सेक्टर 24 पुलिस थाने का है। यहाँ पुलिस टीम रेप के एक आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराकर लौट रही थी, तभी आरोपी अचानक से धक्का देकर भाग खड़ा हुआ और पुलिस टीम पर ईंट पत्थर फेंकने लगा। इसमें एक पुलिसकर्मी को चोट आई है, लेकिन पुलिस ने भी आरोपी पर जवाबी कार्रवाई की और उसके एक पैर में गोली लग गई, जिससे आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स पर आज सुबह करीब 8:30 बजे के करीब एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप है। उसने एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस टीम जिला अस्पताल से मेडिकल टेस्ट कराकर उसे वापस ला रही थी, तभी उसने अचानक से पुलिस कर्मियों को धक्का देकर भागने की कोशिश की। अब आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह का कहना है कि रेप का ये आरोपी पुलिस कर्मियों को धक्का देकर भाग रहा था, तभी जवाबी कार्रवाई में उसे घायल कर बाद में गिरफ्तार किया गया। आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर ही इस एनकाउंटर वाली जगह के पास ले गया था और फिर वहां बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आरोपी पहचान सोनू उर्फ सनी का नाम से की गई है और वह मोरना में किराए के एक मकान में रहता है। आरोपी सेक्टर 19 में एक मेडिकल शॉप में साफ सफाई का काम करता है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।